बीच बीच वाले में हमको फंसा कर छोड़ दिया इन लोगों ने। और अगर मेडिसिन का बच्चा यहाँ पे इस तरह से क्यों बैठे, मतलब शर्म की। आज को हार्ट अटैक आ चुका है, पेरेंट्स को डिप्रेशन में है, बच्चे 3 साल से ये लोग कह रहे हैं फीस कम करेंगे, एनएमसी जब से आई है अभी तक कोई भी रेगुलेशन नहीं हुआ है। हमारी जिम्मेदारी बनती है जो भी हम बात आपको बताएं उसके पीछे पूरी फैक्ट्स होनी चाहिए, पूरी रिसर्च होनी चाहिए और बातों का एक सही पर्सपेक्टिव होना चाहिए। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षा वॉज अवेलेबल फॉर ऑल, चिकित्सा वॉज अवेलेबल फॉर ऑल। जितना ज्यादा बच्चों ने सफर किया है, स्पेशली जो बच्चे अब्रॉड रहे हैं, वो मुझे लगता है मेरे करियर में सबसे ज्यादा विभत्स और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग सिनेरियो रहा है। बोलते हैं 4B फुलफिल करिए, फिर आप बोलते हैं करिकुलम फुलफिल करिए, फिर आप बोलते हैं इंडिया का करिकुलम फुलफिल करिए, कैसे बच्चा डिसाइड करेगा? और अब आप बोल रहे हैं बच्चे को जाने के बाद कि हमने सब कुछ तो आपको दे दिया है, वही सेम रिप्लाई जो आरटीआई में आप जवाब देते हैं। आज 2 साल से ये पेरेंट्स कोर्ट केस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में 3-3 पिटीशन चल रही है और एनएमसी का अगर आप जवाब पढ़ेंगे और उन पिटीशन का रिप्लाई पढ़ेंगे, ऐसा लगता है जैसे उनको वो आदमी या इनको बच्चे के बच्चा समझते ही नहीं। बहुत ही गलत है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।